इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं उसे मैंने सरस प्रसंग से लिया है, जिसे श्री श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। तो आज हम विशुद्ध प्रेम के बारे में बातें करेंगे। श्री पोद्दार जी लिखते हैं, जहां प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है वहां प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहां प्रेम किसी दूसरे आधार पर उपस्थित हो गया और किसी दूसरे को वह चाहने लगा, तब वह प्रेम कलंकित हो जाता है और उस प्रेम का केवल प्रेम नाम रह जाता है। एक कथा है, समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने अपना सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को समर्पित कर दिया था। रामदास जी ने उसे स्वीकार किया था और भगवा झंडा उस राज्य का निशान बना। रामदास जी ने राज्य के अमात्य के रूप में शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करो। वे संचालन करने लगे। रामदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। वे महात्मा थे, संत थे। संतों के पास जब भीड़ लगती है तब वह भीड़ केवल प्रेमियों की ही नहीं होती है। न मालूम कितनी कितनी भावना से लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को पाप नाश चाहिए, किसी का पुण्य उदय होना चाहिए, किसी पर कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी को कहीं लाभ हो जाए। इस प्रकार न मालूम कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब मैं अनुभव की बात कह रहा हूं। इन भावनाओं से जमा हुए लोग तभी तक रहते हैं जब तक मिलने की आशा होती है, नहीं तो सब भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वे सत्य होते हैं। एक महात्मा ने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक महात्मा थे, उनके बहुत भक्त थे। वे कहते कि हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरण का अंगूठा धोया पिएंगे। सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। उनको गोड़ हो गया, शरीर से मवाद चूने लगा। अब वहां एक बचा, बाकी निकल गए। उसने कहा कि जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, उसी प्रकार आपकी अस्वस्थता में भी पान करूंगा। वह पान करने से कोढ़ी हो गया, दोनों कोढ़ी हो गए। अब लोगों ने कहा कि हम लोग तो बुद्धिमान निकले, बच गए, परंतु उन दोनों का कोढ़ तो माइक था जो निकल गया। वैसे आने वाले सभी चले गए। इसी प्रकार की एक घटना रामदास जी के जीवन में भी एक बार हुई। रामदास जी के पास भीड़ लग गई। सुबह से रात 2 बजे तक रामदास जी महाराज न सो सके न उठ सके। सब भगवान का भजन करें और सभी कहे कि हम बड़े प्रेमी, हम बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो कोई था नहीं, परंतु कोई भी रंज मात्र भी अपना प्रेम कम मानता नहीं था। सभी मानते कि हमारा उससे अधिक है, परंतु यह कोई नहीं मानता कि मेरे में प्रेम कम है। और ऐसा यदि कभी कहता तो व्यंग्य में कहता कि हमारा तो कम रिश्ता है आपके प्रति। वहां पर सभी प्रेम का दावा करने लगे। अब रामदास जी को मुश्किल हो गई। रामदास जी ने सोचा, इस परेशानी से कैसे छुटकारा मिले। वे महात्मा थे, उन्होंने एक युक्ति सोची। एक दिन उनका पैर फूल गया, पैरों में सूजन आ गई। उन्होंने पैरों में पट्टी बांध ली और कराहने लगे। लोग इकट्ठा हो गए और बोले, महाराज दर्द बहुत है, क्या करें? डॉक्टर वैद्य बुलाए क्या? लोग दवा लाने लगे, धन लगाने लगे कि ये निकिन प्रकारिन महाराज का दर्द समाप्त होना चाहिए। हमारे प्राण चले जाएं, परंतु आपका दर्द मिट जाए, आपका पैर ठीक हो जाए। महाराज जी सब सुनते रहे। दूसरे दिन सारी मंडली बैठी थी, सारे त्याग करने को तैयार थे। लोगों ने सोचा कि आखिर महाराज जी कौन सा त्याग यहां पर मांगेंगे।
महाराज जी बड़े दक्ष थे। उन्होंने कहा, मैंने इसकी दवा सोच ली है, किसी और उपाय से तो यह अच्छा होगा नहीं। इस पैर के अंगूठे में मवाद भर गई है, इस मवाद को कोई भक्त मुंह लगाकर चूसे, उसे फेंके नहीं बल्कि पी जाए, तब वह तो मर जाएगा परंतु मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। एक ने कहा, महाराज यह बात तो आपने ठीक कही है। शेष में से लोगों ने सोचा कि किसी तरह से यहां से भागे, फिर कौन यहां आएगा। अब किसी को लघु शंका लगी, किसी ने कान पर यज्ञोपवीत लगाया, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया और किसी को कुछ समाचार आ गया, वे निकल गए। किसी ने कहा, महाराज क्या करे, मैं तो बीमार रहता हूं। सबके सब चल दिए, आश्रम खाली हो गया, केवल एक भक्त बचा। उसने कहा, महाराज आपने जैसा सोचा है मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने कहा, मर जाओगे। वह बोला, मर ही तो जाएंगे, आपका यह पैर तो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हां पैर तो अच्छा हो जाएगा। रामदासी ने पुनः कहा, फिर चूसो और सबको बुला दो। उसने लोगों को बुलाया और अंगूठा चूसने लगा। अब सब लोग आने लगे धीरे धीरे कि यह तो चूस रहा है, अब अपना नंबर आएगा ही नहीं। लोग आकर कहने लगे कि मैं तो आ ही रहा था परंतु यह कार्य आ गया, अन्यथा मैं तैयार था। यह इसके भाग्य में था, मेरे भाग्य में ऐसा कहां। मैं चाहता था कि यह पुण्य मुझे मिले, यह सेवा मुझे मिले, परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा था कि अमुक कार्य में फंस गया। अब सबके सब श्रेय लेने को तैयार थे। यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है, वहां था क्या। रामदास जी को तो भीड़ हटानी थी, इसलिए उन्होंने एक पक्का तोतापुरी आम अपने अंगूठे में बांध लिया था। आम का मुंह सामने था, वह ऊपर से ऊंचा और आखिर में नीचा चोंचदार था। आम रस भरा मीठा था, वह भक्त जब चूसने लगा तो उसको स्वाद आने लगा और मजे में पूरा चूस गया। फिर बोला, महाराज यह मवाद नहीं है, यह तो बहुत मीठा है। गुरुजी ने कहा, गुरु की मवाद ऐसी ही होती है, जो चूस लेता है उसी को पता लगता है कि वह कैसी है। आम चूस लेने के बाद सिर्फ गुठली बची, महाराज जी ने जाकर गुठली फेंक दी, उनका पैर अच्छा हो गया। अच्छा तो था ही, उन्होंने पैर साफ कर लिए। लोगों ने कहा, महाराज हम भी ऐसा कर लेते। उन्होंने कहा, तुम लोग यहां से भागो, जिसने मवाद चूसी है सिर्फ वही रहेगा, शेष तुम लोग चले जाओ। उन सबको भागना ही था, वे भाग गए। इस प्रकार का प्रेम प्रेम होता है। इस घटना में जो इसका भाव है, मैं आशा करता हूं कि आप वही ग्रहण करेंगे, उसके अतिरिक्त अन्यथा आप कुछ न ले। मैं यहां पे एक और बात आपको कहूंगा, और मैं किसी किसी ऑडियो में हमेशा कहता हूं कि गुरु की तलाश में ना आपको पागल नहीं होना है कि मुझे गुरु मिल नहीं रहे हैं, किसी को भी गुरु बना लो, कहीं पे कुछ चमत्कार देख के गुरु बना लो। नहीं, याद रखिएगा, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बहुत सारे सिद्ध संत हैं जो अभी सूक्ष्म रूप में हमारे आसपास ही हैं, आप उनमें से किसी को गुरु मान सकते हैं। उनकी चरित्र सुनिए, उनकी जीवनी सुनिए, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दिया है अपने पिछले कई वीडियोज़ में, भक्ति आश्रम, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और आप करीबन 450 से 500 सिद्ध संतों की जीवनी सुन सकते हैं भक्ति आश्रम चैनल पे। तो सिद्धों की जीवनी सुनिए, आपको आपको पूर्ण रूप से सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा और परेशान नहीं होना है। जो भी सिद्ध संत अभी तक हुए हैं, या फिर आप गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि गीता प्रेस की पुस्तकें स्वयं भगवान को भी बहुत पसंद है। किसी प्रसंग में मैं ये भी कथा सुनाऊंगा, या अभी आप भक्ति आश्रम पे जाके श्री हनुमान प्रसाद पुद्दार जी की जीवनी सुन सकते हैं, वहां आपको पता चल जाएगा।
तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वो पहुंच सके। धन्यवाद।